कि ये जो भी मामला है वो हमारी पार्टी के नेतृत्व इस मामला को देख रहे हैं, वो जरूर इस संज्ञान लिए हैं और लिए होंगे। मैम, आपकी पार्टी लगातार यात्रा पर निकले हुए, कभी भाईचारा यात्रा, कभी भीम चर्चा, कभी कर्पूरी चर्चा, क्या है इसका मतलब, क्या जाना है? देखिए, ये राजनीतिक दल है हमारी पार्टी, और राजनीतिक दल का काम है कि समय समय पर अपना राजनीतिक गतिविधि जाके गांव में कस्बे में लगातार ये काम कर रही है, पार्टी का गतिविधि बढ़ा रही है, पार्टी को और धारदार बना रही है। चूँकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो ये लगातार पार्टी का गतिविधि होते रहता है, उसी का ये एक हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी आपने कहा कि विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी के सभी नेतागण जा रहे हैं, तभी तो ये हालात है कि देश में जो भाईचारा है उसको तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इसलिए ज़रूरत है कि समाज में जाके हर तबके के बीच, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या अति पिछड़ा समाज हो या दलित समुदाय हो, सबके बीच या सभी वर्ग के लोग हो, सबके बीच हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 18 वर्षों में जो अमन चैन शांति बहाल की है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार ही नहीं पूरे देश में एक भाईचारा को तार तार करने का काम कर रहे हैं, आपस में बांटने का काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, तो इसको ज़रूरत है कि अब लोग निकल के जो हमारे महागठबंधन के दल हैं, हमारी पार्टी है, इस काम को कर रही है, जो अपना जिम्मेदारी है कि समाज में भाईचारा बना रहे और सब एकजुट हो के समाज में समरसता बना रहे, कोई कटुता नहीं रहे, इस काम को कर रही है। मैडम, कल राज्यसभा में अमित शाह ने बोलते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया और कहा कि जो लोग चारा घोटाले का विरोध करते थे वो लोग आज सत्ता के लिए एक साथ आ गए, कहीं ना कहीं आपके अलायंस जो बना है उस पर हमला है सीधे तौर पर अमित शाह का, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी उन्होंने कहा कि कभी बोलते थे कि नहीं जाएंगे इनके साथ, पान बेच लेंगे, लेकिन आज उनके साथ है। देखिए, उन लोगों का काम ही यही है, हमला करना, अनाप शनाप बोलना, उसके पीछे हम लोगों को नहीं जाना। जो अभी महागठबंधन की एकजुटता है, जो एकजुटता मजबूत हुआ है, जो इसका कारवां बढ़ रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता कर रहे हैं, जो ये सफल दिख रहा है, उसी का बेचैनी है और कुछ नहीं है। पहले तो उनका जो प्रधानमंत्री जी एक सप्ताह पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, वह जो शरद पवार जी का जो ये है, उनका जो भतीजा है, उनके बारे में कहा, और फिर उनको जाके एक सप्ताह भी नहीं बीता लेके चला गया, तो कैसे वो लोग साफ हो गए, पाक साफ हो गए, सब उनका जो जितना मामला था सब उसका साफ हो गया। तो जैसे ही बीजेपी के साथ जाइएगा आपका सब मामला साफ हो जाता है, जैसे ही बीजेपी से लोग अलग होंगे तो उनको तरह तरह का आरोप लगाते हैं, इसलिए उन लोगों का दोहरा चरित्र है, उनको पहले साफ करना चाहिए कि जो अजीत पवार हैं उनको क्यों लिए, इतने बड़े अपराधी और ये ईडी का ये हुआ मामला आया, 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अपने मुंह से, और एक सप्ताह नहीं बीता कि उनको साथ ले लिए, तो उन पर भी अमित शाह जी को और उनके पार्टी को बताना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू का जन्म ही आरजेडी के विरुद्ध में हुआ था। देखिए, राजनीति में परिस्थिति बस हर निर्णय लिए जाते हैं, राजहित जनहित में निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए ये उन लोग का, वो लोग जब करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कैसे उन लोगों का अलायंस हुआ, किनके साथ अलायंस हुआ, वो भी इतिहास देखिए थोड़ा, इसलिए वो लोग करे तो बहुत अच्छा, अब विपक्ष के लोग करे तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उन लोगों का दोहरा चरित्र है, इसमें वो लोग कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए वो लोग कहते रहे और इधर जो विपक्षी एकता है वो मजबूत होके उभर रहा है, इसी का बेचैनी है, इसी के बेचैनी में वो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं।
मतलब राहुल गांधी की सबसे सस्ता फिर से बहाल हुई है, आपको लगता है कि जो इंडिया बन रहा था इसको एक और मजबूती मिली है? जरूर मजबूती मिली है, जिस तरह से उन लोगों ने एक साजिश करके आनन फानन में उनका सदस्यता खत्म करवाने का प्रयास किया, और ये फिर से कोर्ट ने ये बहाल किया है उनकी सदस्यता, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बधाई देती हूँ। और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य अंतिम में सत्य की जीत होती है। राहुल गांधी की सदस्यता जब बहाल हुई है तो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बीच बीच में लटक गए, अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई, अब क्या करेंगे? तो सब बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तय करेंगे, तब तो देश में जो दल है तो लोकतंत्र खत्म है, यही तो उन लोगों का साजिश है कि लोकतंत्र को खत्म करना, संघीय ढांचा को ध्वस्त करना, इतिहास को मिटाना, देश में आपातकाल और घोषित आपातकाल की स्थिति है, यही तो वो लोग साजिश कर रहे हैं। तो वो जो साजिश कर रहे हैं देश की जनता देख रही है, और आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में सभी देश की जनता और विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब मिलके उनको अपदस्थ करेंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे।